हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। सरकार कहती है भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन सरकार की कोशिशों को सरकारी विभाग, सरकारी कर्मचारी और सरकारी कार्यालयों से सबसे ज्यादा निराशा मिलती है। आज बात एक ऐसी ही भ्रष्टाचार वाली तहसील की करेंगे। राय की तहसील में अचानक हंगामा हो गया। पैसे मांगने का आरोप शोर बनकर गूंजने लगा। हाथापाई की नौबत आ गई। लोगों ने जो आरोप लगाए वो भी गंभीर थे। दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। ये सबसे पैसे लेकर रजिस्ट्री हो रही है, भीख मांग लो, पैसे दे दो, लाख रुपए रिश्वत नहीं दे। ऐसा है जी, यहाँ पर जो ये रजिस्ट्री कलर है ना, सीधे 200 रुपए गज के पैसे मांगता है। 220 मांगे, ये इस भाई से 220 रुपए गज मांगे हैं और हमारे पास भी शिकायत आ रही है, वकील साथियों से मांगे। साधन होगी मिल रही है, इसे को बदला जाए। नोरा मैं नहीं करवा, चलती है ना, असब की कर ला गया। उसने झगड़ा जो करा हमारे से, दलाल तेरे बीसिया है जी। उस दलाल ने, उसका नाम है राजेंद्र कौशिक। ये नाराजगी, ये गुस्सा, ये हंगामा और ये बवाल तस्वीरें राई के तहसील कार्यालय की है। यहाँ आरोपों का अंबार है। इससे पहले भी भ्रष्टाचार के कई आरोप और कई विवादों ने इस तहसील कार्यालय की शोभा में चार चांद लगाए हैं। एक बार फिर से हंगामा हो गया है। दरअसल भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर अक्सर विवादों में रहने वाला राई तहसील कार्यालय में वीरवार को एक बार फिर से हंगामा हो गया। लोगों ने रजिस्ट्री के नाम पर रिश्वत मांगने के आरोप लगाए। तहसील में काम करने वाले कर्मचारियों और लोगों के बीच हाथापाई तक भी बात पहुंच गई। बात पक्ष और विपक्ष दोनों की सुनिए। मैं अपनी पार्टियों के साथ अंदर रजिस्ट्री के लिए गया हुआ था, कुछ इसमें प्रॉब्लम थी उससे गया हुआ था, तो इन्होंने वहाँ मेरी पार्टियों के हाथ से है ना रजिस्ट्रियाँ छीन ली कि आप है ना बगैर एनओसी की रजिस्ट्रियाँ करी, जबकि वो रजिस्ट्रियाँ एग्रीकल्चर लैंड की थी और कुछ बंदे के अंदर की थी है? तो इन्होंने रजिस्ट्रियाँ छीन ली पार्टियों के हाथ से, रजिस्ट्रियाँ छीन के और ये कहने लगे कि ये रजिस्ट्रियाँ छीन के और इन्हें बोले चेक कराओ ये रजिस्ट्रियाँ किस तरीके की है। अंदर राजेंद्र कौशिक कुछ रजिस्ट्रिया का बंडल ले रहा था। हेलो, जो गया वैध कॉलोनी बताई गई है। हेलो, ठीक है, मैं वहाँ खड़ा था, उसने मेरे साथ बदतमीजी करी। आगे मेरे डॉक्यूमेंट क्यों देख रहा है जबकि मैंने देखा भी नहीं है। ठीक है, आरसी साहब के साथ था तो वो वहाँ बदतमीजी गाड़ी गलोज करने लग गया। ये मेरा साथी इधर आ भाई, सतपाल है, बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ मैं, सक्रिय कार्यकर्ता। इसका मेरे पास फोन आया, रजिस्ट्री है 100 गज की गांव के अंदर, कुंडली गांव के अंदर। तो ये बोला अगवाई पैसे मांग रहे 30,000 रुपए। तो मैं बोला भाई किस नाम के अंदर रजिस्ट्री, किस नाम के भाई? तो पैसे से काम होगा। अंदर गया तो रजिस्ट्री बंद है, परसों मेरा तबादला हो जाएगा, फिर करवाइए दूसरे उस पर 30,000 रुपए। मैं भाई आप क्यों कैसे बंद कर रहे हो, ना तेड़ी नहीं करे, पैसे लगेंगे। मैं तो जितनी बार यहाँ राई तहसील में आऊँ जी, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार राई तहसील में है हरियाणा में। इससे ऊपर भ्रष्टाचार कहीं भी नहीं है, कोई भी काम पैसे के बगैर होता नहीं। तो जी पैसे एक फोटोकॉपी वाला भी 10 रुपये कॉपी निकालता है। रजिस्ट्री करवाने के लिए पहुंचे अनिल नंबरदार ने आरोप लगाया कि राई तहसील में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार फैला हुआ है, बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता। और वहीं एडवोकेट संजय खेरटा ने भी आरोप लगाया कि तहसील में इंतकाल करवाने की फीस महज 300 रुपए है, लेकिन इंतकाल के नाम पर हजारों रुपए वसूले जा रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इंतकाल की फीस काउंटर पर ही काटने के निर्देश जारी किए जाएं ताकि भ्रष्टाचार पर रोक लग सके, लेकिन बार बार शिकायतों के बाद भी तहसील की तस्वीर फिलहाल बदलती नहीं दिख रही है। एनसीआर दिल्ली से नजदीक सोनीपत के राय विधानसभा क्षेत्र में लगातार राई उप तहसील विवादों में है, क्योंकि यहाँ पर बात करें तो अवैध प्लॉटिंग को लेकर काफी झगड़े देखने को मिलते हैं। ताजा मामला सामने आया है कि दो गुटों में काफी झगड़ा हुआ उप तहसील में और काफी लंबे समय तक काम भी बाधित रहा।
ताजा मामला सामने आया कि 3 से 4 दिन पहले ही एक अवैध प्लॉटिंग को वहां पर प्रशासन भी कार्रवाई के लिए पहुंचा था, उसके बाद भी यहां पर रजिस्ट्री लगातार देखने को मिल रही है। अवैध प्लॉटिंग का यहां पर काफी धड़ल्ले से व्यापार हो रहा है, यहां पर प्रशासन की तरफ से बोर्ड भी लगाए गए हैं, नोटिस भी लगाए गए हैं, उसके बावजूद भी उप तहसील विवादों में है। यहां पर राय विधानसभा क्षेत्र उप तहसील में भ्रष्टाचार के आरोप लगातार देखने को मिल रहे हैं। लाजपत हरियाणा न्यूज के लिए सोनीपत से। तो राय तहसील कार्यालय की तस्वीर क्या है वो हमने आपको दिखाया और किस तरीके से गंभीर आरोप लगे हैं, उन आरोपों की सच्चाई क्या है उस पर हम करेंगे चर्चा। संवाददाता लाजपत हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। लाजपत, राय तहसील की कुछ तस्वीरें तो हमने देखी, ये परेशानी कब से और क्या शिकायत अब तक की गई है कोई? जी बिल्कुल, अभी हम तहसील में है और तहसील में जो संजय खरेटा है उन्होंने आरोप लगाए यहाँ पर गंभीर, और यहाँ पर बात करें तो अभी हम मौजूद है तहसील में, जो संजय खरेटा ने जिस तरह यहाँ पर आवाज उठाई है वो हमारे साथ है, उनसे जानते हैं कि किस तरह के आरोप है यहाँ पर, क्योंकि लगातार यहाँ पर जो है अवैध प्लॉटिंग का मामला लगातार देखने को मिल रहा है। जो वैध है उन रजिस्ट्रियों को रोका जाता है, लेकिन अवैध रजिस्ट्रियां लगातार हो रही है, ऐसा आरोप यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है। राय तहसील लगातार विवादों में है भ्रष्टाचार के रूप में, यहाँ पर जो संजय खरेटा है जिन्होंने आवाज उठाई है उनसे जानते हैं कि आखिर ये मुद्दा क्या है, यहाँ पर क्या किस चीज की परेशानी है, क्योंकि इन्होंने कल आरोप लगाए थे कि 300 रुपए से संवाद और ज्यादा यहाँ पर भ्रष्टाचार है, किन बातों को लेकर। जी बिल्कुल, आरोप तो लाजपत लगातार कई बार लगते रहे, क्या इन आरोपों पर कोई कार्रवाई हुई है, इसकी शिकायत के बाद क्या कोई कार्रवाई की गई प्रशासन की तरफ से? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो शिकायत लगातार जारी है, यहाँ पर जो व्यक्ति है उनसे जानते हैं कि किस तरह की यहाँ पर शिकायत जारी है, क्योंकि यहाँ पर जो बात करें तो लगातार शिकायत की है इन्होंने, क्योंकि संजय खरेटा जो यहाँ पर वकील है वो लगातार शिकायत करते हैं, लेकिन इनका आरोप है कि यहाँ पर कोई भी सुनवाई नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर जो भ्रष्टाचार लगातार पनप रहा है। जी और बिल्कुल लाजपत, जो तस्वीर लगातार सामने आ रही है वहां पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, जहां पर हमने ये तमाम आरोप देखे, तमाम तस्वीरें देखी हैं, उसके बाद क्या अब ये माना जाए कि इस पर कार्रवाई की जाएगी, क्या अब इसे और बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी, भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा? जी बिल्कुल, यहाँ पर भ्रष्टाचार की बात है, यहाँ पर जो वकील है जो यहाँ पर बैठते हैं तस्वीर में वो मेरे साथ हैं, वो ही इस बात को साबित करेंगे कि भ्रष्टाचार पर कैसे रोक लगेगी, क्या कार्रवाई होनी चाहिए या किस तरह के काम होने चाहिए। जी बिल्कुल, अगर आपके साथ कुछ लोग हैं जो लगातार ये आरोप लगा रहे थे भ्रष्टाचार के, या फिर अगर आप वहां पर मौजूद हैं तो उन लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए कि किस तरह की परेशानियां उनको यहाँ पर आने के बाद मिलती हैं। जी बिल्कुल, संजय खरेटा हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि भ्रष्टाचार किस तरह खत्म हो सकता है, यहाँ पर क्या भ्रष्टाचार है, किस तरह की रजिस्ट्रियां होती है, क्या यहाँ पर सुविधाएं हैं, क्या हर सुविधाएं हैं। जी आप पत्रिका संजय खरेटा एडवोकेट बार एसोसिएशन राय। हाँ जी, क्या परेशानी है यहाँ पर? यहाँ पर परेशानी पैदा की जाती है नहीं, यहाँ पर अब अवैध प्लॉटिंग की इतनी भारी संख्या में है नहीं जिसके नाम पर वसूली की जाती है, तो 7A के अंतर्गत बहुत छोटा इलाका आता है, बाकी इलाका 7A के अंतर्गत आता ही नहीं है। यहाँ पर जो अधिकारी आते हैं ये यहाँ पर कुछ व्यक्ति हैं डीड राइटर, एक ही है स्पेशल, हाँ, राजेंद्र कौशिक, उनके द्वारा सारी गलत तरीके की रजिस्ट्रियां कराई जाती है, जितने भी आज तक फंसी है सब उसी के द्वारा कराई गई है। तो लाजपत ये पूछिए इनसे कि क्या इसकी शिकायत इन्होंने की, शिकायत पर कोई कार्रवाई हुई? एक मिस्ट्री है। बिल्कुल संजय खरेटा बिल्कुल इसी चीज पर आ रहे हैं कि इन्होंने शिकायत कहाँ की है, क्या की है, अब ये साफ सुन रहे हैं कि जो यहाँ पर अवैध प्लॉटिंग हो रही है उस बात को लेकर जो रजिस्ट्री हो रही है उनके नंबर बता रहे हैं बाकायदा, और ये जांच की बात कह रहे हैं क्योंकि जांच होनी चाहिए किसी एक व्यक्ति का नाम ना लेकर, जो यहाँ पर अवैध प्लॉटिंग हो रही है उनकी जांच होनी चाहिए और उन पर विषय होना चाहिए। लगातार आज ये चिट्ठी भी लिखेंगे, एक पत्र भी लिखेंगे, और इन्होंने कहा है कि हम ये भ्रष्टाचार यहाँ से खत्म करना चाहते हैं। संजय खरेटा जी अभी बताएंगे कि किन ने तौर पर रजिस्ट्री हुई है। देखो इससे पहले तहसीलदार वासिम पुनिया जी थे, न्यूज भी चला था, उसने भी पैसे की डिमांड की थी, ऑडियो जारी हुई थी, FIR दर्ज हुई थी, ठीक है जी। और यहाँ पर सबसे पहला जो स्टेप है, यहाँ पर जो इंस्टॉल होते हैं उनका फीस काउंटर नहीं है, 300 रुपए फीस है, रजिस्ट्री होते तुरंत 300 रुपए फीस कट जाने चाहिए, वो न्याय नहीं कटती, कटवाई अनाप शनाप पैसे मांगते हैं, तंग करते लोगों को, 10-10 चक्कर कटाते हैं यहाँ, ठीक है, परसेंटेज के आधार पर इंस्टॉल के पैसे मांगते हैं, जबकि फीस केवल 300 रुपए, इंस्टॉल छोटा हो गया। कितनी रजिस्ट्री आ गई है यहाँ? अवैध रजिस्ट्रियों के बारे में तो पता चलेगा रिकॉर्ड से ही, अवैध कम है, लेकिन अवैध के नाम पर अधिकारी पैसे मांगते हैं, वैध को भी अवैध बताते हैं,
यहाँ पर जो ऑफिसर्स हैं शिकायत भी कोई सुनता ही नहीं है। यहाँ कई बार यहाँ शिकायतें की गई हैं, इन काल से शुरू होती हैं, रजिस्ट्रेशन चलती हैं। यहाँ केवल उप तहसील है, अब तक 6 सालों में इसको तहसील का दर्जा नहीं मिला, केवल 3 दिन काम होता है सप्ताह में, ठीक है, उससे भीड़ बढ़ जाती है यहाँ, ठीक है। व्यक्ति जो आता है उसका तक मेरा काम जल्दी हो, उस जल्दी के चक्कर में उनको ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, कई कई प्रकार की यहाँ समस्याएं हैं, लेकिन उनका समाधान अब तक नहीं हो पाया। यहाँ पर और भी साथी हैं, उनसे जानते हैं कि किसकी ज्यादा परेशानी है यहाँ पर, किस तरह की ज्यादा परेशानी है। ये मरीज सब जो कह रहे हैं ये उसी अनुसार है कि जो अवैध है भी निकलेंगे, जो इनकी पहले रजिस्ट्री हो चुकी है उसके ऊपर भी इन्होंने कमीशन मांगा है और 200 रुपए 250 रुपए की सप्लाई ये चार्ज कर रहे हैं और डायरेक्ट निकल रहे हैं, जैसे लोगों को पैसा निकल रहे हैं दूसरे अनुसार ही चार्ज करते हैं और ये परेशानी लगभग दो महीने हो चुकी है। ऐसी बड़ी कोई 200 रुपए 250 रुपए 300 रुपए का दे देता है उसकी रजिस्ट्री कर देते हैं वरना नहीं। तो और भी यहाँ पर हमारे साथ ग्रामीण है, उनसे जानते हैं कि क्या परेशानी ज्यादा रहती है, किस तरह की ज्यादा परेशानी। ज्यादा परेशानी तो यही रहती है सर, अगर एक व्यक्ति ने अपना पूरा हिस्सा जो बेच रहा है रजिस्ट्री हो चुकी है उसकी, अगर वो दोबारा अपना आगे बेचता है उस पर भी बेच लिए जाते हैं, कहती है कि जो ये एक्सरसाइज की सेल डीड होती है, ब्लड रिलेशन होती है, रिलीज डीड होती है, उन पर भी बेच लिए जाते हैं, कहते हैं खर्चा दे हमें, तो ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। जो एक पिता अपने पुत्र को अपने जमीन में लाता है उसके भी पैसे लिए जाते हैं, बोलते हैं कि हमें खर्चा दो, हमारे बहुत खर्चे हैं। यहाँ पर हफ्ते में 3 ही दिन काम होता है, तो आज यहाँ पर बात करें तो कल भी यहाँ पर काफी हंगामा हुआ था, लेकिन आज यहाँ पर तहसील में खाली है, कुछ ही व्यक्ति है और भी यहाँ पर साथी, उनसे जानते हैं कि तहसील में किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है, जैसे आप है यहाँ पर किस तरह की ज्यादा परेशानी है। यहाँ पे सर लाइन में खड़े हो गए जो टोकन कटवाते हैं, किस दिन की तारीख चल जाती है, उनको रुपये टोकन हो जाते हैं, कोई भी कोई भी समस्या सामने आती है तो हमारे मार्केट में बताइए आप लोगों को, ठीक है। तो और भी यहाँ पर साथी है जो यहाँ पर सुनते हैं, प्रयास करते हैं कि यहाँ पर ज्यादा परेशानी किस चीज की है, भ्रष्टाचार क्या है, क्योंकि राय तहसील लगातार विवादों में है, भ्रष्टाचार के मामले में किस तरह की दिक्कत होगी। मैं इसको एडवोकेट, यहाँ पे दिक्कत तो सबसे ज्यादा यह है कि 3 दिन रजिस्ट्री होती है, जो कि पहले ही गुने चुने आदमियों के 2 दिन पहले 3 दिन पहले ही अंदर से टोकन हो जाते हैं, जो उस दिन सुबह उठ के 9 बजे यहाँ पे तहसील में टोकन करवाने के लिए आता है, तो पता चलता है कि टोकन यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि पहले ही जो दलाल है कुछ मेन आदमी वे 2 दिन पहले ही यहाँ पे टोकन करवाएंगे, फिर पूरे टोकन फुल हो जाते हैं, वे अपने परिवार के साथ जो आदमी आते हैं फिर दोबारा वापिस जाते हैं, अगले दिन आते हैं तो वही टाइम देंगे तुम्हें कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर कुछ आदमी जो पैसे देके पहले ही टोकन करवा के बैठ जाते हैं, वो तो आते हैं 1 बजे 2 बजे, जिससे कि उनका तो काम सबसे पहले होता है, और जो सुबह लाइन में लगे रहते हैं उनको बोलते हैं भाई तुम्हारे 5,000 रुपए लगेंगे टोकन पे, इमरजेंसी फीस लगेगी, तत्काल की फीस लगेगी, नॉर्मल टोकन बचे हुए नहीं है। और इससे अलग जो पिता अपने पुत्र को, बहन अपने भाई को जमीन उतरवाती है, उसके भी अवैध तरीके से पैसे मांगे जाते हैं। तो ये तो साफ है कि यहाँ पर प्रॉपर्टी डीलरों का पहले काम होता है, आम जनता का बाद में होता है, ये तो साफ हो रहा है कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी डीलर हैं उनके पहले काम होते हैं, आम जनता यहाँ पर परेशान होती है, ऐसा कुछ है। बिल्कुल लाजपत, इन लोगों की परेशानियां हम सुन रहे हैं, इनसे और भी जानेंगे, लेकिन आपको ये भी बता दें कि किस तरीके की परेशानियां आ रही हैं और उसका कोई समाधान नहीं निकल रहा है। तहसीलदार हवा सिंह से जो हमने बातचीत करने की कोशिश की, उन्हें फोन मिलाया, उन्होंने साफ तौर पर इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया है, लेकिन इसके बाद किस तरीके से गैर जिम्मेदाराना रवैया देखने को मिला है तहसीलदार का, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर वो एक चैनल के फोन पर बात करने की कोशिश करने पर अगर वो मना कर सकते हैं तो आम लोगों की समस्या को कैसे सुलझाया जाता होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, जल्द लौटेंगे वापस। तो तहसील में किस तरीके से भ्रष्टाचार किया जा रहा है वो तस्वीर लगातार आपको हम दिखा रहे हैं, और उसके बाद तहसीलदार का जो गैर जिम्मेदाराना रवैया है वो भी आपको दिखाया, साफ तौर पर इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया। ऐसे में लगातार जो ये कहा जाता है कि प्रदेश को भ्रष्टाचार से मुक्त किया जाएगा, वो तस्वीर कुछ बदलती हुई नजर आ रही है। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। जी शुक्रिया। वीरेंद्र जी आप लोग कहते हैं भ्रष्टाचार को खत्म करना है, भ्रष्टाचार मुक्त करना है प्रदेश को, क्या इस तरीके से हो पाएगा? देखिए हम जो कह रहे हैं वो कर भी रहे हैं, आप ये कह करके तो हमें ताना ना मारें कि हम भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए सिर्फ कह रहे हैं। हमने प्रदेश में और
और खास तौर पे तहसीलों की जब बात होती है तो कमोबेश तहसीलों में जो परंपरागत रूप से बरसों से गोरख धंधे चलते थे उस पर अंकुश हमने कड़ाई से लगाया है। हाँ, इस बात से इनकार मैं बिल्कुल नहीं करूंगा कि कुछ स्थानों पर हो सकता है कुछ लोग कुछ कर्मचारी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से इस तरह की ढिलाई बरतने वाले हों कि वहां अब भी कुछ गलत काम हो रहे हों, परंतु सरकार की नीति और सरकार की नियत और इरादे बिल्कुल स्पष्ट है, गलत काम करने वाला कोई कर्मचारी कोई अधिकारी। वीरेंद्र जी, लेकिन अगर प्रदेश सरकार एफर्ट कर रही है, अगर एफर्ट कर रही है तो वो दिखना भी चाहिए, उसका रिजल्ट भी दिखना चाहिए ना। आपको अगर नहीं दिख रहे तो मुझे आपकी ये मामला ही देख लीजिए ना। मेरी बात सुनिए आपकी, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रदेश की तहसीलों में पारदर्शिता आई है, गोरख धंधा बंद हुआ है, ये अगर आप नहीं देख पा रही है तो ये आपकी अप्रोच में डिफेक्ट हो सकता है। राय के तहसीलदार से अभी हमने बात करने की कोशिश की, उन्होंने साफ तौर पर बोलने से ही मना कर दिया। अब उसका उत्तर है मेरे पास, देखिए दो चीजों को अलग अलग करना शुरू करते हैं। एक, प्रदेश में तहसीलों में या और दूसरे कार्यालयों में भ्रष्टाचार पर बड़े पैमाने पर हमने अंकुश लगाया, ये फैक्ट है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। मैंने पहले ईमानदारी से स्वीकार किया, कहीं हो सकता है कुछ लोग गड़बड़ करने वाले हों, उनको भी हम बख्शेंगे नहीं। तीसरा, आपने जो प्रश्न उठाया कि वो तहसीलदार जवाब नहीं देगा, साधारणतया सभी सरकारी अधिकारियों के लिए निर्देश है कि ये सीधे मीडिया से बात नहीं करेंगे, ये बहाना हो सकता है उनके पास बचने का। लेकिन मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ, गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर राय के कोई नागरिक, राय के कोई वहां के समाजसेवी और आपके पास भी एविडेंस अगर कोई भ्रष्टाचार की हो, आप वो सीएम विंडो के माध्यम से या वहां जाकर के वहां के जिलाधीश के पास उस बात की जानकारी भेजेंगे, या इवन मुख्यमंत्री जी के ट्विटर अकाउंट को भी ट्वीट कर देंगे इन्फॉर्मेशन के साथ, एविडेंस के साथ। एक्शन विल बी डेफिनेटली टेकन अगेंस्ट एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी हु इज फाउंड गिल्टी। किसी को पछने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। बिल्कुल, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी भी चाहिए। और वीरेंद्र जी, बिल्कुल ये उम्मीद की जाएगी आपसे कि इस पूरे मामले को देखते हुए जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर भी कार्रवाई करेंगे। राय से विधायक हमारे साथ जुड़ गए हैं, मोहनलाल बडोली जी, बहुत स्वागत सर आपका हरियाणा न्यूज पर। हेलो बडोली जी, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर जी। आपके क्षेत्र में तहसीलदार जो है वो साफ तौर पर बात करने से मना करते हैं, राय तहसील में भ्रष्टाचार का ये मामला सामने आया है, कैसे सुलझेगा ये मामला? किस चीज का मामला है? भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, इस भ्रष्टाचार के आरोप को कैसे खत्म किया जाएगा, लोगों की समस्याएं खत्म नहीं हो रही? किसने लगाया है? जो लोग वहां पर जाते हैं अपनी परेशानियों को लेकर वो आरोप लगा रहे हैं। कोई लोग होगा भी तो आपके राय तहसील में कोई जाता ही नहीं है काम करवाने के लिए? हमारे राय तहसील में बिल्कुल किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं है। अगर किसी ने कोई आरोप लगाया तो उसका नाम बताओ, किसने रिश्वत मांगी है वो बताओ। सर आप तो सीधे तौर पे मना ही कर दे रहे हैं, आप ये तो जानिए कि पूरा मामला क्या है। आप मना कर रहे हैं, आप खुद मना कर रहे हैं। आपने कहा कि वहाँ पर कोई लोग ही नहीं है, आप कह रहे हैं कि कोई भ्रष्टाचार ही नहीं है, जब ये पूरा मामला सामने आया है, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। आप टीवी पर बैठ के कुछ भी कहना शुरू कर देते हैं। हम कुछ भी नहीं कह रहे हैं सर, हम कुछ भी नहीं कह रहे हैं, मामला सामने आया है और वहाँ पर जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। कर्मचारी का बताओगे ना, कलर्क ने पैसे मांगे हैं, आरसी ने मांगे हैं, तहसीलदार ने मांगे, पैसे किसने मांगे हैं, किससे मांगे हैं बताओ ना, उसकी जाँच कराएंगे। बिल्कुल अंदर करवाएंगे, भ्रष्टाचार करने वाला तो कोई बाहर छोड़ते ही नहीं, हम जेल में डालते हैं सीधा। बिल्कुल, इस पूरे मामले पर आप कार्रवाई भी कीजिए, आपको हम डिटेल में नाम लिखकर भी भेज देंगे और तब ये उम्मीद की जाए उस पर तुरंत कार्रवाई होगी और जेल के अंदर होगा। हाँ, लेकिन आप इस बात को मानेंगे ना कि भ्रष्टाचार किया जा रहा है? हम सर ऐसे ही कोई भी मसला उठाकर नहीं बोलने लगते हैं ना टीवी पर, हमारे पास भी जानकारी आई होगी, हमारा रिपोर्टर वहां गया होगा, संवाददाता गया होगा, लोगों की शिकायतें गई होंगी, उसके बाद हमने बोला है। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि हम कोई भी मुद्दा उठाकर बोलने लगते हैं? नहीं, तहसील में कई प्रकार के लोग होते हैं जिनका कोई काम भी नहीं होता वहाँ, वो भी ऐसे ही काम का की बातें उठाते हैं, तो मुद्दे को ढंग से उठाए ताकि उसका हल हो। तो ये भी तो आप ही की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोग वहाँ पर ना हो जिनका कोई मतलब ही नहीं है तहसील में। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ, ये हमारी जिम्मेवारी है, हम जनप्रतिनिधि है, ये राय में अगर कोई भ्रष्टाचार होगा उसको हम बंद करवाएंगे, पकड़वाएंगे, लेकिन पता तो चले कर कौन रहा है, शिकायतकर्ता का नाम पता हो,
किस बात के बिल्कुल आपको शिकायत, सर आप जुड़े रहिए हमारे साथ, शिकायतकर्ता का नाम भी बता रहे हैं, जो भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं कर्मचारी हैं उसका नाम भी आपको बता रहे हैं, आप हमारे साथ फोन पर जुड़े रहिए और आप आश्वासन दीजिए नाम बताएंगे तो आप उन पर कार्रवाई भी करेंगे। शिकायतकर्ता जुड़ गए हमारे साथ संजय, वो आपसे सीधा बात करेंगे और आपको अपनी परेशानी बताएंगे। संजय जी, विधायक जी हमारे साथ जुड़े, आप अपने अपना सवाल बोल सकते हैं और जो भ्रष्टाचार अधिकारी है जिन्होंने रिश्वत की मांग की भ्रष्टाचार किया उनका नाम भी ले सकते हैं। संजय जी आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ जी मिल पा रही है। संजय जी विधायक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो कह रहे हैं कि नाम बताइए जिन्होंने आपसे भ्रष्टाचार की मांग की है, रिश्वत की मांग की है, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आप बताइए आपकी क्या शिकायत थी और क्या पूरा मामला था? हमारी शिकायत है कि एक ही व्यक्ति वैध अवैध वैध को अवैध कहकर तहसीलदार द्वारा एक व्यक्ति राजेंद्र कोसी के पास पार्टियों को भेजा जाता है डी राइडर के पास और उसके द्वारा दृष्टि होती सबकी। बोलिए बोलिए, नया नहीं है भ्रष्टाचार, ये भ्रष्टाचार तो मेरे ख्याल से तो इंडिया में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार राय तहसील में है, जब तहसील में उप तहसील है, केवल तीन दिन काम होता है यहाँ पे और कई बार ये उजागर भी हो चुके हैं इससे पहले तो तहसील। आप नाम लेकर बोल सकते हैं संजय जी की वॉइस रिकॉर्डिंग और वो आपके भी और उससे गलत एफ आई आर भी। ठीक, अब तहसीलदार यहाँ पर आउट होता है पर बैठता नहीं, सुन रहे हैं आप परेशानी सुन रहे हैं शिकायतकर्ता हमारे साथ। ये संजय किस गांव का है, क्या काम करता है ये? सर आपको सारी डिटेल हम यहां पर तो नहीं दे सकते ना, आपको शिकायतकर्ता से जुड़वा दिया, बात करवा दी। मैं इसकी बता दूंगा ना, ये फिर मेरे को पता तो चले संजय सोनीपत का है, रोहतक का है, जींद का है, पानीपत का है, अंबाला का है, चंडीगढ़ का है, कहाँ का है ये विधायक जी के ऐसे शब्द मुझे ठीक नहीं लग रहे आपके मुंह पर। संजय जी आप अपना आप बता दीजिए आप कौन से क्षेत्र से हैं? नहीं विधायक जी नहीं सब कुछ है, पूछना चाह रहे नहीं नहीं ठीक है आप बता दीजिए ना, कोई बात नहीं आप बता दीजिए आप कौन से क्षेत्र से, आपकी शिकायत पर काम होगा। आपके पास एआईडी है, सारी चीजें हैं, आप उनके द्वारा इंक्वायरी कर सकते हैं, सरकार को रिपोर्ट मिलती है। मोहनलाल बडोली जी मुझे लगता है कि विधायक होने के नाते आपकी ये जिम्मेदारी बनती है। सुनिए सुनिए सर, चैनल जो है ना सर सुनिए, बहुत बढ़िया न्यूज चैनल है, आप सबकी खबरें देते हो। हाँ सर सर सुनिए, मोहनलाल बडोली जी मुझे लगता है एक विधायक होने के नाते आपको विनम्र स्वभाव से ये पूछना चाहिए था शिकायत कहाँ की है, शिकायतकर्ता अगर जुड़ रहे हैं तो आपको विनम्रता से पूछना चाहिए था आपकी शिकायत, आपको कहना चाहिए था, आश्वासन देना चाहिए था कि अगर दोषी पाए जाते हैं तो कार्रवाई होगी। आप पूरा मसला यहाँ नहीं सुलझ सकता है ना, यहाँ पर हम आपको शिकायत बता सकते हैं, आपसे आश्वासन ले सकते हैं, बाकी की जानकारी आपको हम डिटेल में भेज देंगे, लेकिन आपकी जो ये अमृता नहीं दिखी, आपका जो गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखा है इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आप लोग कितना काम कर रहे हैं। मैं बिल्कुल पूरा आश्वस्त हूँ इस बात से आपकी पे, लेकिन मैं जो आप कह रहे हो ना, मैं शालीनता से बात कर रहा हूँ, आवाज मेरी इस प्रकार की है, मेरी आवाज आपको कड़क लग रही होगी, ये आवाज ही इस प्रकार की है, मैं कोई आपसे गुस्से में बात नहीं कर रहा, ना सर गुस्से की नहीं, आवाज कैसी भी हो सर, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये कहना चाहिए था ना, मामला सामने आया है, हम जांच कराएंगे, हम पता करेंगे। सर हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ जुड़ गए, वहाँ पर गए, सच्चाई उन्होंने देखी है, उन्होंने जानकारी ली है। बहुत अच्छा पत्रकार है, हाँ जी बिल्कुल, लाजपत जी मोहनलाल बडोली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं ना वहाँ पर ऐसा कोई मामला सामने आया है, ना भ्रष्टाचार है, ना वहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद था, आप एक बार जरा विस्तृत रूप से बता दीजिए कि आखिर हुआ क्या था। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो यहाँ पर जो तहसील में कल का मामला है, जो कि विक्की छतेरा जो लड़का है, जो छतेरा गांव का है, उसने यहाँ पर हंगामा किया है, वो सबूत के आधार पर रजिस्ट्री करवाने आया था, तीन दिन तक यहाँ पर भटकता रहा और उसने कल जमकर हंगामा किया। यहाँ पर संजय खरेटा है जो वकील है, उन्होंने आरोप लगाए हैं, हमारे पास आरोप की बाइटें हैं, लोगों को बडोली जी सुन लीजिए, नाम आप पूछ रहे थे शिकायतकर्ता के, इससे पहले एक जोड़ा हमने और एक और नाम बता दिया हमारे संवाददाता ने। ये जो संजय खरेटा है ये वकील है, वही है क्या? जी बिल्कुल, ये वकील है, ये तो खुद रजिस्ट्री आरसी लिखने का काम करते हैं, ये तो रजिस्ट्रिया लिखने का काम करते हैं, वही तहसील में बैठते हैं, मैं तहसील में गया हूँ विधायक बनने के बाद, खुद इनके कार्यालय पे गया हूँ, मेरे को तो बात रखी नहीं इन्होंने कि इस प्रकार का यहाँ काम होता है, मैं खुद गया था इनके। चलिए अब बात रख दी गई ना बडोली जी, अब बात रख दी गई, अब तो आप समझ गए होंगे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है, जांच का विषय है।
अगर इस प्रकार का है तो हम बिल्कुल जांच बस यही बात अंदर करवाएंगे। बडोली जी यही बात आपको शुरुआती दौर में भी कहना था कि अगर दोषी पाया जाता है जांच की जाएगी तो कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन आप उस बात को तब माना नहीं। मैं पहले शब्दों में आपको कह चुका था जो भी अंदर करवाएंगे भ्रष्टाचार करने वाले को छोड़ेंगे नहीं, ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ, संजय से बात होने से पहले बोल चुका हूँ। चलिए बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और पूरी उम्मीद है कम से कम अब इस मामले की जानकारी लेने के बाद कार्रवाई की जाएगी। लाजपत बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी तमाम जानकारी के लिए। तहसील की गंदी तस्वीर आपको दिखा रहे जहां लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, भ्रष्टाचार के लगातार कई मामले भी सामने आए, लेकिन इस पर कोई भी कार्रवाई करने को राजी नहीं है। न प्रशासन इस ओर ध्यान दे रहा है, ना ही वहां के विधायक जो अपनी बोली से समझा गए कि वो क्या चाहते हैं, भ्रष्टाचार को कैसे कम किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।